गुड मॉर्निंग। विजिबल है बेटा? नम्रा विजिबल है? ठीक। लास्ट लेक्चर में थी आप क्लास में? सभी लोग नोट प्रिपेयर कर रहे हैं अपने? रोज पांडे बेटे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं बहुत जल्दी गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, उसमें अपलोड करना है। अमन राज, लैब में नहीं थे कल, लैब वाली क्लास में? नेटवर्क इशू था। चलो अनमोल कश्यप, क्लास में क्यों नहीं आते हो? लैब में नहीं थे कल? तो बैंक जाने के लिए कोई छुट्टी थोड़ी ना होती है, बैंक बाद में जाया करिए क्लास के बाद। सो नाउ कम टू द टॉपिक। लास्ट लेक्चर फ्राइडे मैंने डिस्कस किया था कनेक्शन। मोस्ट ऑफ यू आर अपसेट, वाज अपसेंट ड्यू टू सम टेस्ट ऑफ योर प्लेसमेंट एक्टिविटी। सो दैट आई एम गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक कनेक्शन और कनेक्शन स्टेटमेंट लिस्ट अगेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
So connection is the method by which sender or receiver or two or more devices connected for a meaningful purpose as data transfer. There are two modes of connection. First is connection oriented, also known as wire oriented. Second one is connectionless, also known as wireless connection. ठीक, यहां पे जो बात हो रही है, we are going to discuss about the connection oriented, because connection oriented is more reliable and more authentication. जो इसमें हो है वो ज्यादा होता है. More authenticated, authentication properties also follows and fast delivery as well as connection is reliable. So there are the procedure connection establishment. Connection establishment process contains three important steps. First one, establishment. Second, data transfer. And third, connection termination. कल मैंने कुछ बच्चों की ट्यूट शीट चेक की है और रिटर्न भी की है. कुछ लोगों ने तो डायग्राम बनाए हैं, लेकिन कुछ ने अभी भी डायग्राम नहीं बनाए. मोस्टली फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाया है, बल्कि हर क्वेश्चन में डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया या डिस्कस किया है या नोट्स दिए, तो वहां पे भी डायग्राम है. तो बिना डायग्राम के देखिए, अगर अब ये वाला टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस, जिसके तीन स्टेप्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर एंड कनेक्शन टर्मिनेशन, तो ये जितने भी तीनों प्रोसीजर है या प्रोसेस है, ये तीनों डायग्राम से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं. ठीक है, ये आप तीनों के तीनों डायग्राम के थ्रू ही इसको समझाइए और उनको एक्सप्लेन करिए. सो फर्स्ट है आपका एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस, आल्सो नोन एज कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस. सो इन दिस प्रोसेस, एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस जो स्टेप्स है, मैं एबीसीडी करके दिखता हूं. पहला, द कंप्यूटर और द सेंडर. द सेंडर रिक्वेस्ट, कनेक्शन रिक्वेस्ट. कनेक्शन रिक्वेस्ट, अभी कुछ कीवर्ड बताएंगे, वो रिजर्व वर्ड होते हैं जब आप जो आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है. बिकॉज द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोसीजर इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टीसीपी एंड कनेक्शन, जो वायरलेस है, कनेक्शन लेस के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, दैट इज यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में डिफरेंट डिफरेंट कोड रिजर्व है. तो यहां पे रिक्वेस्ट के लिए कनेक्शन रिक्वेस्ट, ये कोड रिजर्व है, कनेक्शन रिक्वेस्ट. तो सेंडर रिक्वेस्ट टू द रिसीवर और द अदर मशीन जिसको वो डेटा सेंड करना चाह रहा है, सबसे पहले एक कोड के थ्रू कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करता है, कनेक्शन रिक्वेस्ट कोड सेंड करता है. सेकंड, कनेक्शन कंफर्मेशन. रिसीवर मशीन और एनी अदर डेस्टिनेशन मशीन, देन आफ्टर रिसीविंग द रिक्विजिशन ऑफ सेंडर, सेंड कंफर्मेशन मैसेज. तो जो कंफर्मेशन मैसेज है वो रिसीवर तुरंत सेंड कर देगा, इफ इट इज एग्री और वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ सेंडर. लेकिन अगर कहीं बिजी है ऑलरेडी, दूसरे सेंडर से या दूसरे पर्टिकुलर मशीन से डेटा आपका आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वो वेट करने के लिए भी बोल सकते हैं, और तब तक जो है कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेंगे, सिर्फ मैसेज जो जाएगा वो वेटिंग का जाएगा, या ये हो सकता है कि कंफर्मेशन मैसेज भेजने में डिले हो जाए. तो सेंडर ऑलरेडी कम्स टू नो दैट
receiver is busy at this time and sender wait until receiver आपका send नहीं करता है confirmation message. लेकिन negative या ये नहीं कहेगा कि मैं busy हूँ, बस सिर्फ signal से और response time से ही sender are able to assume condition of receiver. Third point है important, acknowledgement of confirmation. This acknowledge is sent by sender. मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ये काम sender का है, यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ये receiver करता है. तो don't be confused. This acknowledgement is sent by sender after receiving the confirmation from the receiver and sender sends acknowledgement that sender receives confirmation acknowledgement and now it is ready to send the data. तो acknowledgement भेज देता है और ये बताता है कि अब आपका connection establish हो गया है. इस diagram के through आप समझ सकते हैं जो भी हमने step आपको बताए हैं. Sender receiver time bound process होता है. Sender send a connection request. Receiver send confirmation request and sender again send acknowledgement of confirmation. ये सभी को दिख रहा है, ये डायग्राम सभी लोग देख पा रहे हैं. अनमोल डायग्राम दिख रहा है ये वाला. अब तुम्हारा नेटवर्क ही गड़बड़ है. लखनऊ में हो कि नहीं हो? आयुष आयुष डायग्राम देख पा रहे हैं बेटा? दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है? अच्छा अब देखिए पढ़ पा रहे हैं. कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंडर जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करता है. रिसीव मेरा पेन दिख रहा है. रिसीवर जो है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजता है अगेंस्ट द कनेक्शन रिक्वेस्ट जो सेंडर भेज रहा है उसके अगेंस्ट रिसीवर आपका कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसके बाद सेंडर एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंफर्मेशन सेंड कर देता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज हैंड शेकिंग एंड ऑल्सो नोन एज थ्री वे हैंड शेकिंग. This process is known as handshaking, हाथ मिलाना जिसको कहते हैं, and this is also known as three-way handshaking. ठीक है? Three-way handshaking. This process is known as three-way handshaking. Three-way का मतलब ये हुआ कि connection request भेजी जाएगी sender के through, receiver confirm कर देगा request को, और उसके बाद सेंडर एक्नॉलेजमेंट भी भेजता है कि हाँ ठीक है मुझे कंफर्मेशन मिल गया है. और एक्नॉलेजमेंट भेजने का मतलब ये हुआ कि अब कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो गया है और नाउ सेंडर इज रेडी टू सेंड दियर डेटा और इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर. अंडरस्टैंड? तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज थ्री वे हैंड शेकिंग. थ्री वे हैंड शेक बिकॉज तीन इसमें आपके जो है प्रोसेस चल रहे हैं. थ्री प्रोसेस आपके यहां पे प्रोसेस्ड हो रहे हैं इसलिए इसको कहते हैं थ्री वे हैंड शेकिंग. उसके बाद सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया डेटा ट्रांसफर. तो डेटा ट्रांसफर का मतलब उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेप है डेटा ट्रांसफर, इसमें सेंडर मशीन और रिसीवर मशीन आपस में डेटा ट्रांसफर कर देते हैं. सेंडर और रिसीवर तो तुरंत क्या होगा डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंडर ही रिसीवर को इंफॉर्मेशन या डेटा सेंड करे.
दिस इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. सेम टाइम ये भी हो सकता है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, अब रिसीवर सेंडर बन जाएगा और सेंडर रिसीवर हो जाएगा, कनेक्शन वही रहेगा. ये नहीं होगा कनेक्शन फिर से टर्मिनेट हो और फिर से मशीन चेंज हो जाए बाय द मीन्स ऑफ दियर जॉब. वही रहेंगे लेकिन जो टास्क है वो उनका आपस में एक्सचेंज होएगा. अब सेंडर रिसीवर बन जाएगा और रिसीवर सेंडर बन जाएगा विद इन सेम प्रोसेस और द कनेक्शन. और जो कंफर्मेशन का पूरा प्रोसीजर है या जो भी ट्रांसफर का प्रोसीजर वो एज इट इज आपका परफॉर्म होगा. तो दो प्रोसेस आपके कंप्लीट हो गए, पहला एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस, सेकेंड इज डेटा ट्रांसफर, थर्ड प्रोसेस इज टर्मिनेशन ऑफ कनेक्शन या कनेक्शन टर्मिनेशन. कनेक्शन टर्मिनेशन, जो कनेक्शन टर्मिनेशन है उसमें भी देखिए सेम डायग्राम मैंने बनाया हुआ है. कनेक्शन टर्मिनेशन में भी सेम प्रोसीजर आपका कॉल होता है. सो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड कनेक्शन टर्मिनेशन इज द सेम प्रोसेस, ओनली डिफरेंस इज दैट द रिक्वेस्ट स्टेप्स और द रिक्वेस्ट कॉल इज समथिंग चेंज, थोड़ा सा अ लिटिल बिट चेंज. सो एज इन दिस डायग्राम सेंडर रिसीवर आप देख पा रहे हैं, जहां पे पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट था यहां पे आ रहा है डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट. नाउ सेंडर सेंड अ डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस. व्हेन सेंडर सेंट कनेक्शन रिक्वेस्ट, नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डेटा ट्रांसफर सक्सेसफुली सेंडर सेंड डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट. As soon as receiver accept disconnection request, it directly confirm the disconnection confirmation. ठीक, ये मैसेज अगेंस्ट द डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट के ये डिसकनेक्शन कंफर्मेशन सेंडर को भेज देता है. उसके बाद सेंडर एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंफर्मेशन भेजता है. ये वाला स्टेप दोनों में सेम है. एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंफर्मेशन का मतलब उधर से आ गया तो ये भी कंफर्म कर रहा है. एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंफर्मेशन इज द थर्ड स्टेप विच इज कॉमन इन बोथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एज द कनेक्शन टर्मिनेशन. और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंफर्मेशन भेजा, इसका मतलब कनेक्शन आपका टर्मिनेट हो गया, कनेक्शन तुरंत खत्म हो गया वहां पे, और जो है मतलब कनेक्शन रिलीज हो गया और प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया. So this is the entire process of connection establishment. Connection establishment का मतलब ये हुआ कि connection establish भी होगा, data transfer भी होगा और साथ ही साथ connection terminate भी होगा. बिना connection termination के connection establishment process will not complete. वो बिल्कुल complete नहीं माना जाएगा. यानी एक बार अगर आपने connection किया है तो उसको terminate या finalization कहेंगे. किताब में आप पढ़ेंगे फाइनलाइजेशन ऑफ कनेक्शन, ये भी नाम से जाना जाता है टर्मिनेशन को. तो फाइनलाइज भी करेंगे यानी जो भी आपने रिसोर्सेज यूज किए उसको रिलीव कर दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए. सो दैट रिसीवर कैन बी इंगेज विद अदर सेंडर. तो मैंने आपको बताया ना कि वेट करता रहता है सेंडर अंटिल रिसीवर उसको कंफर्मेशन नहीं देता. इसका रीजन यही होता है कि वो पहले किसी और सेंडर के साथ बिजी होता है फॉर द ट्रांजेक्शन और द ट्रांसफर ऑफ डेटा. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज द कनेक्शन एज सून एज योर वर्क इज कंप्लीटेड. इस प्रोसेस में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने रिवाइज किया है. हालांकि मैंने इसका वीडियो डाला था, बोला भी था, लेकिन स्टिल मैंने सोचा पूरी क्लास जो है जब आ जाए तो ये जरूर बताएं, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. थर्ड यूनिट में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन टर्मिनेशन बहुत पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. एंड आल्सो आज द क्वेश्चन अबाउट हैंड शेकिंग. क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय हैंड शेकिंग, एक्सप्लेन विद सुटेबल डायग्राम. तो जब हैंड शेकिंग की बात आएगी तो आप पूरा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस, डेटा ट्रांसफर और कनेक्शन टर्मिनेशन तीनों स्टेप्स जो है डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. इज इट क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम?
सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिंह सिद्धार्थ सिंह आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बेटा। अभिनव मौर्य अभिनव मौर्य बहुत लेट से ज्वाइन किया है क्यों? हाँ सिद्धार्थ समझ में आया बेटा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटे? डायग्राम देख पा रहे हो? ठीक, नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ये भी। रितिका सक्सेना टू मच लेट बेटा। अच्छा नहीं, मेरी क्लास तो इसी समय होती बेटा, वो तो उन्होंने पिछले बार जो है उनका कोर्स नहीं पूरा था इसलिए मेरी क्लास दी थी। ठीक, चेंज इसीलिए हुआ था। तो ये आपको आप देख पा रहे हैं कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विसेज में डिफरेंस, इज इट विजिबल? रितिका देख पा रही हो कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन है? क्या कह रही हो? आवाज नहीं आ रही, बहुत ब्लर आ रहा है। अब तुम लोग मोबाइल फोन कनेक्शन से तो पढ़ते हो, मोबाइल फोन कनेक्शन से क्यों पढ़ते हो? अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है, पता नहीं तुम लोग मोबाइल फोन से है क्या कह रहे हो बेटा? अभिनव नहीं, तुम लोग की आवाज आ रही है एकदम, तुम लोग की आवाज एकदम आ रही है। अभी तो कोई बता रहा था कि आ रहा है डायग्राम। आप देखिए लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है मैं प्रोनंसिएशन कर रहा हूं इसका, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स भी दूंगा। ठीक है तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज जो है पहली, ध्यान से सुनिएगा, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जो पहली है, हम पहले सारी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज की बात कर लेते। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जो बेसिकली होती है वो होती है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलायबल। सो मेन प्रॉपर्टी जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज की है, और दूसरा हम कनेक्शन लेस भी लिख दे रहे हैं पैरेलली, इट इज अनरिलायबल। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जो है वो रिलायबल होती है, कनेक्शन लेस सर्विसेज जो है आपकी अनरिलायबल है। ठीक, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस
preferred by long and steady communication. प्रिफर्ड बाई लॉन्ग एंड स्टेडी कम्युनिकेशन, जब बहुत लंबा और लगातार कम्युनिकेशन की जरूरत होती है तब कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज या एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस ही आपका वर्कआउट होता है. एंड जो कनेक्शन लेस आपकी सर्विसेज है दिस इज प्रिफर्ड बाई बर्स्टी कम्युनिकेशन. बहुत स्मॉल और बहुत कम समय के लिए और बहुत जब ज्यादा जरूरत ना हो, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डेटा ना हो तब जरूरत होती है यहां पे. ठीक, कनेक्शन ओरिएंटेड में जब आपकी बात करते हैं तो हमेशा जो सर्विस है वो आपकी फिजिबल होती है. इट इज नॉट फिजिबल, कनेक्शनल सर्विस इज नॉट फिजिबल. ओके, रिलायबिलिटी का टर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. साथ ही साथ यहां पे जब कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की बात करते हैं तो पैकेट जो होते हैं वो हमेशा सेम रूट को फॉलो करते हैं. पैकेट्स फॉलो द सेम रूट एज डिसाइडेड प्रीवियसली, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनेक्शन लेस सर्विसेस पैकेट डू नॉट फॉलो द सेम रूट. मीन्स रूट कैन बी चेंज एट रन टाइम. ओके, कनेक्शन ओरिएंटेड में जो बैंडविड्थ है वो रिक्वायर्ड है आपकी हाई बैंडविड्थ. बैंडविड्थ रिक्वायर्ड हाई. कनेक्शन लेस की बात करते हैं तो ये लो बैंडविड्थ पे भी काम कर सकता है. कनेक्शन ओरिएंटेड का एग्जांपल है आपका जैसे टेलीफोन सिस्टम. और कनेक्शन लेस की आप बात कर सकते हैं फॉर एग्जांपल योर पोस्टल सिस्टम. पोस्टल सिस्टम ये लिखा हुआ देख पा रहे हैं, मैंने इसलिए हटा दिया. अब लिखा हुआ है, क्या ये लिखा हुआ दिख रहा है आकृति? ये लिखा हुआ देख पा रही है? अब रीडेबल है, अब देखिए. अच्छा, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप लोग नोट भी करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए. कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में पहले ही दोनों जो है आप एक लाइन खींच लीजिए कॉपी में और दोनों साइड लिखते चलिए. पहला पॉइंट दोनों का, फर्स्ट पॉइंट है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज आर रिलायबल. फर्स्ट पॉइंट इन कनेक्शन लेस सर्विसेज इट इज अनरिलायबल. मीन्स कनेक्शन लेस सर्विसेस प्रोवाइडेड अनरिलायबल सर्विसेस. सेकेंड पॉइंट, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेस प्रिफर्ड बाई लॉन्ग एंड स्टेडी कम्युनिकेशन. सेकेंड पॉइंट कनेक्शन लेस में लिखिए, कनेक्शन लेस सर्विसेस यूज्ड इन बर्स्टी कम्युनिकेशन और वर्क इज नॉट सोफिस्टिकेटेड. कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज आर फिजिबल, कनेक्शन लेस सर्विसेज आर नॉट फिजिबल एज पर द रिक्वायरमेंट. फोर्थ पॉइंट, इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज पैकेट फॉलो द सेम रूट वाइल इन कनेक्शन लेस सर्विसेस पैकेट डू नॉट फॉलो द सेम रूट. सेम रूट कॉन्सेप्ट
जो सेम रूट का कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेनेवर देयर मे बी एनीवेयर कंजेशन अकर्स और द रूटर्स फाइंड कंजेशन एट एनी सब जो आप कह सकते हैं रूटर्स और द नेबर रूटर, तो रन टाइम पे जो आपका पाथ है और द वे टू ट्रेवल अप टू द रिसीवर एंड मे बी चेंज डायनेमिकली. इट इज इंटीमेटेड टू द सेंडर बट इट कैन बी चेंज डायनेमिकली बट इन कनेक्शन ओरिएंटेड बिकॉज योर डेटा और इंफॉर्मेशन इज सो मच सोफिस्टिकेटेड एंड इम्पॉर्टेंट सो रूट कांट बी चेंज और डिस्टर्ब विच इज प्रीवियसली डिसाइडेड. ये ध्यान रखने वाली बात है. कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू मच, इट रिक्वायर्ड हाई बैंडविड्थ, व्हाइल इन कनेक्शनलेस सर्विसेज इट डज नॉट रिक्वायर्ड हाई बैंडविड्थ. इन लो बैंडविड्थ इज आल्सो केपेबल टू सेंड दियर डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. लास्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कनेक्शन लेस का एग्जाम्पल ढूंढे और कनेक्शन ओरिएंटेड का एग्जाम्पल ढूंढे, तो कनेक्शन ओरिएंटेड का जो ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है दैट इज योर टेलीफोन सिस्टम, जो ट्रेडिशनल आपका टेलीफोन सिस्टम है वो आता है. और कनेक्शन लेस की अगर बात करें तो पोस्टल सिस्टम, जो डाक के थ्रू या किसी और मीडियम्स के थ्रू आप अपना कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज योर ट्रेडिशनल. मैं ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूं, नॉट जो इस समय का मॉडर्न की बात नहीं कर रहा हूं. तो पोस्टल सिस्टम को आप रिलेट कर सकते हैं, वो आपका कनेक्शन लेस है. एक बार डाक डाल दी, हालांकि अब काफी हद तक उसकी ट्रैकिंग होने लगी है, काफी हद तक आप इसको आप चेकआउट कर सकते हैं कि जैसे ही आपने अपना पोस्ट जो भी कोई भी लेटर है या कोई पोस्ट किया तो तुरंत उसका एक नंबर मिलता है, ईएमएस नंबर होता है या और भी कोई नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, उसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहां कहां गया. लेकिन स्टिल वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन या एक्नॉलेजमेंट देता रहता है स्टेशन टू स्टेशन, ठीक है, थ्रू आउट कंडीशन नहीं बता पाएगा और आल्सो नॉट जो बता सकता है कि ये बहुत रिलायबल है और सही जगह ही पहुंचेगा. कभी कभी ये भी होता है कि वो गलत जगह ही पहुंच जाता है, एड्रेस सही होने के बाद भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो गलत जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. तो देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज. ये समझ में आया सभी को? आवाज तो सभी के पास आ ही रही होगी, मुझे नहीं लग रहा है कि आवाज में कोई दिक्कत होगी. आकृति, आवाज आ रही है एकदम? जो मैंने बोला समझ में आया, सुना आपने? नहीं सुना? नहीं 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 सुना. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. बाकी मैं नोट्स जो है अपलोड कर दूंगा और वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, वीडियो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है बेटे, नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट. इसको TPDU भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट. ये प्रोटोकॉल ही हेल्पफुल होता है फॉर द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड द कनेक्शन टर्मिनेशन. TCP वर्क करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट इसके थ्रू ही, और इसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है. इसके डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. फ्रेम फॉर्मेट पहले बना लेते हैं. जहां फ्रेम फॉर्मेट की बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट है. ओनली फोर जो है इसके, एक फ्रेम होता है उसके फोर पार्ट होते हैं, लेंथ, फिक्स्ड पैरामीटर, वेरिएबल पैरामीटर और डेटा. लास्ट में आपका डेटा होता है. क्या आप ये देख पा रहे हैं डायग्राम? अस्मिता,
अस्मिता गुरिया, डायग्राम देख पा रही है बेटे? ब्लर्ड है लेकिन देख पा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है? क्या लिखा हुआ है ये जहां मैं पॉइंट किए हूं? है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आइए, व्हाट इज दिस? हाँ तो माइक सही करो बेटा, तुम्हारी आवाज बहुत फड़फड़ा रही है। एटलीस्ट आवाज तो आनी चाहिए। यहाँ अच्छा डायग्राम नहीं दिख रहा है, मैं ये बोल रहा हूं। अच्छा चलिए, हो सकता है नेटवर्क की वजह से ना दिख रहा हो। नेटवर्क आज वीक लग रहा है क्योंकि जब सभी लोग बता रहे हैं इसका मतलब आज कुछ प्रॉब्लम है। आयुष को कैसे दिख गया था पहले? आयुष तुम्हें कैसे दिखा था बेटा पहले? अभी अब तुमको दिख रहा है, बता नहीं बाकी क्यों नहीं दिख रहा है। नहीं तुम सही बता रहे हो, तुमको सही बता रहे हो। पहला लेंथ है, फिर फिक्स पैरामीटर है, फिर वेरिएबल पैरामीटर डेटा, तुमको हल्का हल्का दिख रहा है। मे बी एरिया वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं प्रोनाउंसिएशन कर दे रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन कर दे रहा हूँ, और उसके बाद आप वीडियो भी देख लीजिएगा एज वेल एज नोट से कंपेयर करिएगा। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट का फ्रेम फॉर्मेट है, ये सिर्फ एक ही फ्रेम का होता है जितने हम लोग अब तक बनाए हैं। देखिए फ्रेम सबसे ज्यादा थे आपके टीसीपी के और यूडीपी के, बाकी सब में चाहे कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो, सीएसएमए, चाहे आपका एफडीडीआई हो, चाहे टोकन रिंग हो, किसी का भी हमने एचडीएलसी हो, किसी का भी फ्रेम फॉर्मेट बताया, तो वो एक ही फ्रेम का है लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है, अ पार्ट है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, उसके भी फोर फील्ड्स हैं। पहला लेंथ है, सेकेंड फिक्स पैरामीटर, थर्ड वेरिएबल पैरामीटर और थर्ड फोर्थ आपका डेटा है। तो लेंथ है, पहली जो फील्ड है लेंथ, तो द लेंथ फील्ड ऑक्यूपाइज फर्स्ट बाइट एंड इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इंक्लूडिंग इन द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो लेंथ टेल्स एक्चुअल द लेंथ ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, कितने नंबर ऑफ बाइट्स इसमें इंक्लूड है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट में कितने नंबर ऑफ बाइट्स इंक्लूड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फील्ड है आपकी फिक्स्ड पैरामीटर्स, फिक्स्ड पैरामीटर फील्ड कंटेन्स पैरामीटर और कंट्रोल फील्ड दैट आर कॉमनली प्रेजेंट इन ऑल ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट। इट कंसिस्ट फाइव पार्ट्स, जो फिक्स पैरामीटर्स हैं उसके पांच पार्ट होते हैं, दैट आर कोड। सबसे पहला है कोड। कोड का मतलब जब से हमने आपको भेजा कनेक्शन रिक्वेस्ट, अभी इसके पहले मैंने आपको एक डायग्राम में भी दिखाया था कनेक्शन रिक्वेस्ट, कनेक्शन या डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट, कनेक्शन कंफर्मेशन, तो इनके कोड बने हुए थे। कनेक्शन रिक्वेस्ट को सीआर कहते हैं, ठीक है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट को डीआर कहते हैं, कनेक्शन कंफर्मेशन को सीसी कहते हैं, कनेक्शन कंफर्मेशन सीसी, डिस्कनेक्शन कंफर्मेशन को डीसी, डेटा जब आप ट्रांसफर करेंगे तो बोल देंगे हम लोग डीटी। सो दीज आर द कोड। फिक्स पैरामीटर में जो पहला पार्ट है या पहली फील्ड है, फिक्स पैरामीटर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू फाइव फील्ड, तो उसकी पहली फील्ड है कोड। डिफरेंट कोड्स आर अप्लाइड वेन एवर कम्युनिकेशन इज स्टार्टेड और द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस इज स्टार्टेड एंड द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट इज एक्टिवेटेड। सेकेंड है इंपॉर्टेंट जो आपकी फील्ड है या इसका जो पार्ट है,
that is source reference. Source reference means it contains the address of source machine. फिर है destination reference. Destination reference contains the address of ultimate destination or the receiver, यानी actual receiver का address contain करता है. उसके बाद sequence number, ये सब fixed parameter के part हैं, ध्यान रखिएगा. Sequence number helps to arrange the packet sequentially. Because I already told you, whenever packet travels in the midway, this is not compulsory, or also due to the congestion, it is not necessary to receive the packet at the receiver and as per the sequence. There may be many variation or many causes. हो सकता है क्योंकि packet जो होते हैं वो different path और route को भी follow करते हैं. तो जब वो receiver end पे पहुंचेंगे तब भी there may be condition or the सिचुएशन की पैकेट सीक्वेंस वाइज ना पहुंचे. तीन नंबर का पैकेट पहले पहुंच जाए, एक नंबर का पैकेट बाद में पहुंचे, फिर छह नंबर का पहुंच जाए, फिर दस का पहुंचे, फिर दो का पहुंचे जाकर के. तो सीक्वेंस नंबर के थ्रू इन पैकेट को रिसीवर एंड पे अरेंज किया जाता है प्रॉपरली. ठीक. और जो लास्ट पॉइंट है या लास्ट फील्ड है, दैट इज योर क्रेडिट एलोकेशन. क्रेडिट एलोकेशन, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ field in context of fixed parameter of transport protocol data unit. It enables a receiver station to tell the sender how many more data unit may be sent before the sender must wait for an acknowledgement. तो ये credit allocate कर देता है कि कितने number of bits या bytes या information send की जा सकती है. It also allows the receiver to supersede existing sliding window protocol. Means ये साथ ही साथ ये भी बता देता है कि जो sliding window protocol का हमारा एक fix rule है कि window के frame में इतने number of packets होने चाहिए. Credit के मतलब ये allocate कर देता है कि इससे limit भी आप बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं. तो ये एक special feature होता है which is used only your data is so much important and also large. ठीक. फिर है थर्ड फील्ड इसकी है वेरिएबल पैरामीटर. वेरिएबल पैरामीटर सेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट कंटेन्स पैरामीटर दैट अकर इनफ्रीक्वेंटली. मींस दीज कंट्रोल कोड्स आर यूज्ड मोस्टली फॉर मैनेजमेंट पर्सन, फॉर मैनेजमेंट पर्सन एंड पर्पस. तो जो पर्सन इसको मैनेज करता है और जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए मैनेज करता है, तो ये इसलिए वेरिएबल पैरामीटर्स रिजर्व रखे गए हैं. एंड व्हेनेवर इट इज नेसेसरी टू मैनेज द प्रोसेस और द मैनेजर और द जो मेन इन चीज को पूरा हैंडल कर रहा है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उसने ये रिजर्व रखा हुआ है फॉर यूज ऑफ फ्यूचर. लास्ट है डेटा. डेटा आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन या सोफिस्टिकेटेड डेटा है विच विल बी सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. मींस जो अल्टीमेट और ऑप्टिमम टास्क है वो है आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. डेटा ट्रांसफर आपका सेंडर टू रिसीवर हो जाता है. तो डेटा जो है वो एक्चुअल टास्क है जिसके थ्रू आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट की जरूरत पड़ी है डेटा इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए. तो डेटा और इसकी लेंथ मैंने ऑलरेडी आपको एक बार बताई थी, 64 बाइट हो जाती है. और आल्सो इट कैन बी एक्सटेंडेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसीवर एंड सेंडर ट्रांसफॉर्मेशन और द ट्रांजेक्शन. अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा जाए, तो 64 की जगह और ज्यादा 128 भी हो सकता है. उसकी लिमिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, 256 भी तक ये इंक्रीज हो सकता है. ठीक है. बाकी और भी इस पे वर्कआउट चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है इसकी लिमिट और बढ़ाने के लिए. बिकॉज एक पर्टिकुलर और लिमिटेशन यहाँ पे देखिए ये रहती है, मैं कह रहा हूँ 256 आज
कल को जो है स्पीड तो और ज्यादा हो रही है, साथ ही साथ कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां पे बात आती है रिलायबल ट्रांसफॉर्मेशन की। जो ट्रांजेक्शन हो आपका रिलायबल हो, अनऑथराइज एक्सेस, लॉस्ट ऑफ योर डेटा और द फ्रेम ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इन द वे, तो इनसे बचने के लिए ही कैपेसिटी को बहुत ज्यादा एकदम आप बढ़ा भी नहीं सकते। देयर मे बी मैनी कॉजेस बाई विच इट इज नॉट अप्लीकेबल और द पॉसिबल टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ रिसीवर और द रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज एट वंस, जो कि बहुत ज्यादा बर्डन डालेंगे, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, लेकिन उसको फॉलो किया जा सकता है और एज पर द जो एक कनेक्शन हो जा सकता है, जो क्योंकि कनेक्शन का मतलब है आपने रिसीवर को हैक करके रखा है, हायर कर लिया है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में ही डेटा आपको सेंड करना है। तो कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन ट्रेवल, तो उससे भी रिसोर्सेज जो है वो आपके बिजी हो जाएंगे और जो अदर प्रोसेस है वो अनडेफिनिट या इनडेफिनिट वेट या डेडलॉक की कंडीशन में पहुंच जाएंगे, इसीलिए आप लिमिट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इसमें किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई चीज ना समझ में आई हो, क्योंकि आवाज फ्रीक्वेंटली सबके पास जा रही है, तो उसको पूछ सकते हैं आप। अटेंडेंस लिख दीजिए चैट बॉक्स में एंड डोंट लीव द क्लास। सभी लोग अटेंडेंस लिख दीजिए। ओनली 45 स्टूडेंट्स, 6, 46। प्रज्ञा, वीडियो देखती हो बात शाम को? बहुत सोच के बोला है, देखती हैं। आज देखने की जरूरत पड़ेगी, आज देखने की जरूरत पड़ेगी, है ना? सिचुएशन ऐसी है। क्लास लीव नहीं करिएगा भाई, मैं अटेंडेंस लूंगा।